मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं एक लेस्बियन कपल सोफी और वी को, जो कि आए हैं सोफी के बचपन के दोस्त डेविड के मेंशन पर, और वो भी उसे बिना बताए। यहाँ हम देख पाते हैं सोफी की कार की एक विंडो खराब है। खैर सोफी घर के अंदर चली जाती है, लेकिन वी कुछ भूल गई थी इसीलिए वो वापस से कार में आ जाती है। वो भूल गई थी गिफ्ट को, जिसे लेकर वो घर के अंदर चली जाती है, लेकिन जाते जाते उसने ध्यान नहीं दिया कि मिरर की लाइट ऑन रह गई है। अंदर पूल पार्टी चल रही थी और वहाँ पर पूरा ग्रुप जमा हुआ था। इनमें अमीर बाप का बेटा डेविड, उसकी एक्ट्रेस गर्लफ्रेंड एमा और उसकी पॉडकास्टर फ्रेंड एलिस, और एलिस का नया बॉयफ्रेंड ग्रेग जो कि मिला है ऑनलाइन, साथ में उनके फ्रेंड जॉर्डन और इनका एक और फ्रेंड मैक जो कि इन सबको अपनी कार में यहाँ तक लेकर आया था। लेकिन कल रात कुछ बात हो गई थी इसीलिए वो वापस चला गया। अब मेन बात है डेविड अमीर है, लेकिन सोफी के पेरेंट उससे भी ज्यादा अमीर है। हालांकि सोफी अमीर नहीं है क्योंकि अब उसके पेरेंट उससे बात नहीं करते, क्योंकि इसे नशे की लत है या फिर थी, क्योंकि अब ये होकर आई है रिहैब सेंटर से। अब यहाँ पर आने का मकसद भी इनका यही होता है कि डेविड इनके पेरेंट से बात करे और इसे फिर से जायदाद में शामिल कर लिया जाए। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि ये अमीरों का ग्रुप है, लेकिन दो लोग इसमें फिट नहीं बैठते, वो है ग्रेगर और बी, और इसीलिए ग्रुप में कोई ना कोई इन्हें पसंद नहीं करता। जैसे कि डेविड को ना पसंद है ग्रेग, और देखते ही जॉर्डन को ना पसंद आ गई थी बी, क्योंकि पहले वो सोफी उसकी गर्लफ्रेंड थी। बी एक स्टोर पर वर्कर है इसीलिए वो खुद को सबसे नीच समझ रही थी। उसके गिफ्ट की भी कोई वैल्यू नहीं हुई, जो कि एक ब्रेड था। खैर ये सब यहाँ पर इसलिए आए हुए है क्योंकि कुछ ही देर में आने वाला है तूफान और ये तब करेंगे हरिकेन पार्टी। ये सब इस बात से नाराज है सोफी ने आने से पहले इन्हें बताया नहीं। खैर ग्रेग उसका वेलकम करता है एक खुखरी से सैंपन को खोल कर, और इसे बाकी सब तो इम्प्रेस हो गए थे सिवाय डेविड के। वो कहता है ये तो कोई भी कर लेगा, और बाकी सब ने सैंपन पी ली, लेकिन सोफी और बी ने नहीं पी क्योंकि बी पीती नहीं और सोफी अभी सोबर है। इतने में तूफान भी वहाँ पर आ गया। वो सब जल्दी से अंदर चले जाते हैं। कुकरी को वहीं पर छोड़कर अंदर डेविड सोफी से बातें करता है कि तुम्हें बी में क्या दिखाई दिया। तब वो कहती है एलिस को क्या दिखा ग्रेग में, वो तो 40 साल का है। यहाँ डेविड बताता है कि शायद ग्रेग एक सोल्जर है, और हम देख पाते हैं ये ग्रेग से बहुत ज्यादा जलस है। उसकी आंखों पर पंच का निशान भी थे, जो कि कल रात मारा था मैक्स ने, यानी इनमें लड़ाई हुई थी इसीलिए वो यहाँ से चला गया। सोफी उससे ये भी पूछती है क्या तुमने मेरे पेरेंट्स से बात की, लेकिन वो कुछ भी जवाब नहीं देती क्योंकि उसने नहीं की होती। उधर भी अकेले ही घूम रही थी, जो जॉर्डन उसे सलाह देता है कि सोफी के साथ केयरफुल रहना, दिल जले आसी की तरह। इतने में बाकी सब टिकटॉक बना रहे थे। बी उनकी वाईफाई से कनेक्ट होकर अपनी माँ से बात कर लेती है। इसके बाद वो सब पार्टी मोड में आ जाते हैं। बी पूरी कोशिश कर रही थी खुलने की। सोफी देखती है जॉर्डन बी के कुछ ज्यादा ही करीब आ रही है, तब पार्टी रोक कर वो कहती है कौन कौन खेलेगा, बॉडीज बॉडीज बॉडी। ये सुनकर सभी एक्साइटेड हो गए। गेम कुछ ऐसा है कि ये पर्चियां बनाएंगे और एक पर्ची पर लिखेंगे एक्स, जिनके पास भी एक्स वाली पर्ची आएगी वो बनेगा किलर, लेकिन वो किसी को बताएगा नहीं। किलर का काम होगा अंधेरे में एक एक करके सबको मारना, यानी कि जिसे भी वो टैप करेगा वो मारा जाएगा, फिर जिसे भी उसकी बॉडी मिलेगी वो चिल्लाएगा बॉडीज बॉडीज बॉडी। तभी सब जमा हो गए और वोटिंग करेंगे कि किलर कौन है। अगर सबने सही किलर गेस कर लिया तो किलर हार जाएगा, यानी कि इनका मोटिव होगा किलर को पकड़ना, साथ ही उससे बचकर रहना, और किलर का मोटिव होगा इन सभी को मारना। वेरी इंटरेस्टिंग। गेम से पहले डेविड और एलिस तो हाई हो गए थे, साथ में बाकी सबको वोडका लगाना था, और वोडका से पहले सबको खाना था एक एक चांटा। इसमें बी को भी चांटा खाना पड़ता है। फिर उसने एक वोडका ली, लेकिन सबसे ज्यादा बुरा हुआ ग्रेग के साथ, क्योंकि गेम की आड़ में डेविड ने खींच कर उसके मुंह पर एक पंच मारा। और मेन बात ये थी सोफी ने कोई नशा नहीं किया। लाइट ऑफ होते ही गेम स्टार्ट हो गया और हर कोई बचता फिर रहा था। जल्दी ही पहली बॉडी मिल जाती है जो की थी ग्रेग की। वो सब मीटिंग में लग गए थे तभी वो ध्यान देते हैं ग्रेग तो उठ ही नहीं रहा है। हर कोई ट्राई कर लेता है लेकिन वो नहीं उठता। किसी ने उसे सच में मार दिया, वो ऐसा दिखा रहा था। ये उसका छोटा सा मजाक था इनके साथ, लेकिन इसके बदले डेविड उसका मजाक उड़ाने लगा, जिससे गुस्सा होकर वो तो चला गया सोने। इसके बाद वोटिंग हुई तो बातें थोड़ा पर्सनल हो गई, और एलिस ने राज खोल दिया कि डेविड और एमा का रिश्ता कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। ये सुनकर डेविड ने एमा की क्लास लगा दी और वो रोने लगी। तो अब सभी ने डेविड को ही वोट कर दिया इसीलिए वो भी गुस्सा होकर वहां से चला गया। इसके बाद राउंड 2 स्टार्ट होता है जिसमें सभी लड़कियां होती हैं, लेकिन गेम स्टार्ट होने से पहले ही लाइट चली गई, शायद तूफान की वजह से। सब यहाँ से चले गए, कोई डेविड को ढूंढने तो कोई बाथरूम में। तभी भी देखती है डेविड जो कि बाहर मर रहा था, किसी ने उसकी गर्दन पर कट मार दिया था। वो सब जल्दी से उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता।
था। किसी के फोन में भी सिग्नल नहीं था और कार भी सिर्फ एक ही होती है और वो भी सोफी की। वो सब जल्दी से कार में पहुंच जाते हैं लेकिन वो कार स्टार्ट नहीं होती क्योंकि बी की मेहरबानी से उसकी बैटरी खत्म हो गई थी। तो सभी वापस अंदर आ गए और जॉर्डन को मिल गई वो कुकरी जिसे डेविड को मारा गया और पूरे घर में सिक्योरिटी सिस्टम है तो बिना पिन के अंदर कोई नहीं आ सकता। लेकिन यही तो प्रॉब्लम है क्योंकि मैक्स को पिन पता है और कल उसकी डेविड से लड़ाई भी हुई थी। कहीं मैक्स वापस तो नहीं आ गया और क्या पता उसी ने डेविड को मारा हो। पूरी बात ये थी कि मैक्स ने कल बता दिया था कि वो एमा को प्यार करता है, बस इसी बात पर लड़ाई हुई थी। खैर ये सब तो दूर की बात है, अभी पास की बात है ग्रेग वो कहाँ पर है। और अचानक एमा भी गायब हो गई इसीलिए वो चारों एक साथ ग्रेग के रूम में जाते हैं क्योंकि वो सोने गया था लेकिन रूम में वो था ही नहीं बल्कि उसके रूम में एक बैग था जिसमें एक चाकू था और साथ में और भी ऐसा ही कुछ सामान था जिससे इन सबको उसके ऊपर शक हो गया जबकि ये तूफान की तैयारी भी हो सकती है। अब कुछ लोग डरते हुए एमा के रूम में पहुंच जाते हैं जहां बेड पर कोई पड़ा हुआ था और वो थी एमा जो खुद को शांत कर रही थी। इसके लिए एलिस ने उसे एक गोली दे दी और खुद भी एक गोली खा ली। इसके बाद वो चल दिए ग्रेग को ढूंढने के लिए। उन्हें लग रहा था कि यही किलर है जबकि उसे तो पता भी नहीं था कि डेविड मर गया है। उसे लग रहा था कि ये सब फिर से उसका मजाक उड़ा रहे हैं क्योंकि वो इनकी जनरेशन का नहीं था लेकिन ये सब सीरियस थे और सभी ने उस पर चाकू ताने हुए थे। इसीलिए सेफ्टी के लिए उसने सोफी का चाकू छीन लिया। उसकी बात सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं था इसीलिए उसे गुस्सा दिखाना पड़ा लेकिन इसे बात नहीं बनी। अब तो एकदम ही किलर लग रहा था और वो सामने था सोफी के। इसीलिए सोफी को बचाने के लिए बी ने उसके सिर पर बैट मारकर उसे बेहोश कर दिया लेकिन इसके बाद भी वो उठ रहा था इसीलिए बी ने एक और वार किया जिससे उसकी जान चली गई। शक के आधार पर इसने ग्रेग को मार डाला। अब उन्हें लग रहा था किलर मारा गया जबकि एलिस खुश नहीं थी। इन्होंने ग्रेग को जज किया उनकी अपीयरेंस और उसकी कदकाठी को देखकर। अगर कोई किलर होगा तो ऐसा ही होगा लेकिन ये जरूरी नहीं है। अब यहाँ पर सभी टेंस थे इसी बीच सोफी ने भी कोकिंग मार ली। इसके बाद तो उसका पूरा बिहेवियर पूरी तरह से बदल गया। उसने एमा को बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल दिया इसीलिए वो अपसेट होकर ऊपर चली गई। बी ऊपर ही अपने कपड़े चेंज कर रही थी इसी बीच सोफी ने जाकर एमा को सॉरी बोला और उसे एक और पिल दे दी जिसे लेकर वो चली गई। लेकिन कुछ देर बाद एलिस को उसकी बॉडी मिली स्टेयर से नीचे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे ऊपर से धकेल दिया और ऊपर से आई बी और इतना तो साफ है ग्रेग किलर नहीं था। बी ने उसे बेवजह ही मार डाला। अब एलिस का कहना है जो कोई गेम में किलर था वही रियल में भी किलिंग कर रहा है, वो उनके साथ गेम खेल रहा है। लेकिन किलर था कौन ये भी कोई नहीं जानता। लेकिन इनके बीच अब एक ही बाहर का पर्सन है और वो है बी। सबका शक उसी पर जाने लगा क्योंकि सबसे पहले डेविड को उसी ने देखा था। उसने एक और किलर्स को वहीं छोड़ा और ग्रेग को लिटरली उसने मार दिया। किलर होने की लिस्ट में वो सबसे ऊपर थी। एली और जॉर्डन मिलकर उसे बाहर निकाल देते हैं और सोफी कुछ भी नहीं करती, उसे भी उस पर शक है। उन्होंने सारे खिड़की दरवाजे लॉक कर दिए थे इसीलिए भी पहुंच जाती है कार तक। लेकिन वो कार भी लॉक थी तो उसकी खराब विंडो का फायदा उठाकर वो अंदर घुस जाती है। अंदर थोड़े चीटोस खाकर उसने अपने कपड़े बदल लिए और वहाँ पर उसे मिले जॉर्डन के कपड़े। इसके बाद वो फिर से अंदर आने का रास्ता ढूंढ रही थी तब उसने जॉर्डन को देखा डेविड के डैड की गन के साथ। इसके बाद बैक डोर से होते हुए वो अंदर घुस आए और आते ही उसने एक हैमर भी उठा लिया। वो उन्हें बता देती है कि जॉर्डन की जेब में एक गन है लेकिन उसकी जेब में कुछ भी नहीं होता सिवाय फोन और एक पर्ची के, जिससे उन्हें पता चल जाता है गेम में जॉर्डन ही किलर थे। अब सारा शक शिफ्ट हो गया जॉर्डन पर क्योंकि जब डेविड मर रहा था तो सबसे लास्ट में यही पहुंची थी और एमा की मौत के टाइम भी ये उसके आसपास ही थी। और यहाँ सोफी और बी का फिर से पैचअप हो गया और बी ने हैमर भी फेंक दिया तभी जॉर्डन ने वो छुपाई हुई गन निकाल ली। यहाँ तीनों फ्रेंड के बीच में फिर से बहस होती है और इस बार तो सारी फीलिंग बाहर आ गई जिनसे हम जान पाते हैं कि असल में यहाँ पर कोई दोस्त है ही नहीं, सब दिखावा है। यहाँ जॉर्डन ने बी को बताया कि सोफी ने मेरे साथ मेकआउट किया था कार में तभी उसके कपड़े वहाँ मौजूद हैं। लेकिन सोफी इस बात से इनकार कर रही थी तो जॉर्डन कहती है उसका फोन चेक करो। इससे गुस्सा होकर सोफी एलिस को बता देती है कि जॉर्डन तुम्हें पसंद नहीं करती, ये मजाक उड़ाती है तुम्हारे हर एक पॉडकास्ट का। यह सुनते ही एलिस अपनी फीलिंग बाहर निकालने लगती है तब जॉर्डन ने सीधा उसके पैर में गोली मार दी। यहाँ वो सब उससे गन छीन रहे थे और इसी बीच गोली चल गई जो कि सीधा लगी एलिस के गर्दन में और यहाँ उसका भी खेल खत्म हो गया। लेकिन गोली चलाई किसने? जॉर्डन के हाथ में गन थी जिसे पॉइंट करते हुए वो ऊपर चली गई, उसके साथ साथ सोफी भी। तभी पीछे से बी ने उस पर हमला बोल दिया और यहाँ फिर से स्टार्ट हुआ स्ट्रगल जिसमें कई गोलियां चली लेकिन आखिर में बी ने जॉर्डन को नीचे फेंक दिया। मरने से पहले जॉर्डन कहती है सोफी का फोन चेक करो। यहाँ बी सोफी से पूछती है क्या तुमने एमा को मारा है? वो कहती है नहीं लेकिन बी को यकीन नहीं हो रहा था इसीलिए वो सोफी से दूर जाकर छुप गई। अब ऐसे ही सुबह हो जाती है और सुबह होने पर बी घर से बाहर निकलती है। सोफी भी वहाँ पर
पर आ गई। यहाँ वह कन्फेस करती है उसने एम्मा को एक पिल दी थी जिसे खाने के बाद वह नशे की हालत में सीढ़ियों से गिरकर मर गई। ये सुनकर भी उस पर गन तान देती है और कहती है अपना फोन दिखाओ, लेकिन अपना फोन दिखाने के बजाय वो फोन को फेंक देती है। अब यहाँ पर फोन उठाने में भी स्ट्रगल हुआ, आखिर में फोन बी के हाथ लग गया लेकिन सोफी का नहीं बल्कि डेविड का। उसका फेस दिखाकर वो फोन को अनलॉक कर लेती है। तब उसे पता चलता है असल में हुआ क्या था। ग्रेग के रेस में डेविड खुकरी से शैंपेन खोलते हुए टिकटॉक बना रहा था, लेकिन गलती से वो खुकरी लग गई उसकी गर्दन पर और कुछ इस तरह वो मारा गया। असल में यही हुआ था, यानी कि कोई किलर है ही नहीं, क्योंकि मैक्स भी वहाँ पर आ गया था और बॉडी देखकर वो खुद भी हैरान होता है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। दरअसल हुआ ये था कि डेविड अपनी गलती से मारा गया, लेकिन बाकियों ने सोचा कोई किलर यहाँ मौजूद है, जो कि हर कोई सोचता। यहाँ पर सबसे पहला शक गया ग्रेग पर, उसकी कद काठी की वजह से और गलतफहमी के चलते बी ने उसे मार डाला। इसके बाद पैनिक बढ़ा और ज्यादा नशा करने की वजह से एम्मा भी सीढ़ियों से गिरकर मारी गई। इसके बाद गलती से मरी एलिस और पैनिक में बी ने एक और मर्डर कर दिया जो कि था जॉर्डन का, और ऐसे बिछी सारी बॉडी, यानी कि किलर है ही नहीं, किलर है गलतफहमी। ये सोचकर ये दोनों सुन्न थे, लेकिन यहाँ पर इन सब की असलियत बाहर आ गई थी, जहाँ सोफी सच में बी को चीट कर रही थी और सोफी को बचाते हुए बी ने दो लोगों को मार डाला। हालातों ने इनके साथ कॉमेडी कर दी और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।